नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी में निर्माण श्रमिकों और मजदूरों के लिए एक व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य उनके कौशल को बढ़ावा देकर उनके लिए बेहतर अवसर और बेहतर आजीविका के द्वार खोलना है। सरकार की यह पहल दिल्ली के अंदर कार्यबल को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए सभी श्रमिक चौक और निर्माण स्थलों पर प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए जाएंगे। ये शिविर कौशल विकास केंद्र के रूप में काम करेंगे, जिससे श्रमिकों को अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद मिल सकेगी। इस पहल का उद्देश्य उनके कौशल को बढ़ाना, बेहतर अवसरों और आजीविका के द्वार खोलना है। श्रमिकों के कौशल उन्नयन के प्रति समर्पण को देखते हुए केजरीवाल सरकार प्रशिक्षण अवधि के दौरान होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई भी करेगी। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य श्रमिकों को दिहाड़ी के एवज में होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाता है, वहीं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस ट्रेनिंग में अपनी भागीदारी दर्ज करा सके। सरकार कौशल वृद्धि में लगे श्रमिकों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त पूर्व शिक्षण दिशा निर्देशों का पालन करेगी।